उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन की ओर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम जब परमेश्वर के वचन से कुछ देर मनन कर रहे हैं, प्रभु के आत्मा को हम अपने आप से बात करने दें कि प्रभु आज अपने आत्मा के द्वारा हमें किस बारे में प्रेरणा देना चाहता है। हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवित वचन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जितनी चीजें हैं वो सभी चीजें जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, यीशु का लहू जीवित है, यीशु का नाम जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। वो नाम सब नामों के ऊपर इसलिए है क्योंकि वो नाम एक ऐसा नाम है जो जीवित नाम है। हालेलुया, यीशु मसीह का लहू सबसे बेशकीमती क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह का लहू ऐसा लहू है जो जीवित लहू है, जो हमें जीवन देता है। हालेलुया, हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जो प्रभु का वचन है वो परमेश्वर की सांस है। लिखा है कि वचन जो है वो जीवित प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से अधिक चौका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके हाथ में बाइबल हो वो कहे, मेरे हाथ में परमेश्वर का जीवित वचन है, मेरे यीशु का जीवित वचन है, ये मेरे यीशु का जीवित वचन है, ये मुझसे बात करता है, ये मुझसे बात करता है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है जब हम देखते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे दर्शन प्रभु हमें दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक दर्शन लिखा हुआ है, जो प्रभु का दास एक दर्शन देख रहा है, और जब वो स्वर्गदूत से पूछता है तो उसे क्या उत्तर देता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन। आज हमने वो गीत गाया ना, मैंने वो गीत प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन जब हम वर्शिप कर रहे थे और एकदम पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा था, एकदम आत्मा में होकर मैंने गाया वो, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सुभाष गिल जी ने लिखा जो गीत, एकदम से वो मेरे आत्मा में आया और एकदम से मैंने उस गीत को गाया। ना तो जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पहाड़ को मैदान करने की शक्ति परमेश्वर के आत्मा के अंदर है, और वो आत्मा हमारे अंदर है। इसका मतलब वो शक्ति किसके अंदर है? हमारे अंदर। अब बोल रहे ना हमारे अंदर है। हालेलुया, अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, पहाड़ों को मैदान करने की शक्ति, पहाड़ों को मैदान करने की शक्ति मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ वाले से पूछिए, पहाड़ को मैदान करने की शक्ति कहाँ है? पहाड़ को मैदान करने की शक्ति कहाँ है? जवाब दीजिए, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ना जोर से, ना ताकत से, ना बल से, ना शक्ति से, लिखा है परंतु मेरे रूह के द्वारा होगा, लिखा है मेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु के आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा शक्तिशाली हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु के आत्मा के द्वारा हमारी हड्डियां शक्तिशाली हो जाएगी। हालेलुया, प्रभु के आत्मा के द्वारा हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु का आत्मा जो है ना वो हमें अंदर से सब कुछ दे रहा है, पता है।
क्योंकि सब सोते हमारे अंदर है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा योना 7:37 जब हम पढ़ते हैं 38 लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से, उसके अंदर से, उसकी रूह में से जीवन के जल की नदियां हालेलुया मेरे अंदर से बहेगी। ऐसे हाथ रखे बोलो मेरे अंदर से बहेगी जीवन के जल की नदी, मेरे अंदर से बहेगी हालेलुया। बल कहां से आएगा? हमारे अंदर से आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हाँ या ना? Yes. मैंने पूछा हाँ या ना? हाँ। हालेलुया। हालेलुया। आपका हाँ जो है उसमें विश्वास दिखना चाहिए। क्या पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ। बोलो हाँ मैं हूँ। हाँ मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना का बल कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। वचन का प्रकाशन कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। अंदर से आएगा। वो बल, वो शक्ति, वो हमारे अंदर से आएगा, क्योंकि सामर्थ का आत्मा जो है वो हमारे अंदर है। हालेलुया। हर एक बात हमारे जीवन में पूरी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम देख रहे हैं अन्य भाषा की सामर्थ के बारे में। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के जो हम जो जीवन है, जो परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हमारे अंदर क्या होती है? वो बहती है। हालेलुया। अपने हाथों को जाओ, बोलो जब मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की नदी, जीवन की नदी, सामर्थ की नदी, प्रेम की नदी मेरे अंदर रहती है। कई बार हम जब घर की सजावट करते हैं हम लड़ी लगाते हैं जिसमें बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, और जब उसको पावर से कनेक्ट किया जाता है तो वो जलती है ना। जहां पर जो चीज खराब हो जाती है वो क्या होता है? वो चीज जल्दी बंद हो जाती है, यानी वहां पर उसके अंदर प्रॉब्लम है। पावर जो है वो है लेकिन वो उसको रिसीव नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जो लड़ी का जो भाग है वो खराब हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। लोग समझने में आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जब हमारा हृदय जब पंप करता है, जब हमारा दिल धड़कता है तो हमारे हृदय का काम होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को हमारी बॉडी के हर पार्ट में सर्कुलेट करे, पहुंचाए। हालेलुया। 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 अगर हमारे इस हाथ में अगर खून नहीं बह पा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो वो पैरालाइज हो जाएगा, वो हाथ काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वहां पर रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है। ऐसे ही पैर में होगा, है ना। जहां भी शरीर के अंग में रक्त का प्रवाह नहीं होगा, यीशु मसीह ने कहा उसके अंदर से, और हम आत्मिक प्राणी हैं, हम शारीरिक प्राणी नहीं है, और यीशु मसीह ने कहा उसके अंदर से, इनसाइड ऑफ हिम, आउट ऑफ बेली द स्प्रिंग्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड ऑफ दैट पर्सन, इनर मैन, इनसाइड। हालेलुया। उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, वो पवित्र आत्मा की नदी जब हमारे हृदय से बहती है, हम उसे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा की नदी के बहने का एक प्रतीक है, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने का एक प्रतीक है। और जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब अब वो नदी हमारे हृदय से बह निकली है, अब पवित्र आत्मा की नदी जो है वो हमारे अंदर बह रही है। हालेलुया। 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 अब वो नदी बहती बहती जहां जाती है वहां पर हर एक चीज को ताकत देती है। हर एक जगह पर जब हमारे शरीर के अंदर वो पवित्र आत्मा की नदी बहेगी, हम शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे। हालेलुया। इसलिए हर समय हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना अनिवार्य है, हर समय हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। मैं उत्साहित करना चाहता हूँ हर एक जन को। मैं बहुत खुश हुआ जब बहन ने गवाही दी कि जितनी बहनें आती हैं प्रार्थना में वो सब अन्य भाषा बोलने लगी है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात हम निकालेंगे जब हम प्रेरितों के काम 2:4 पढ़ते हैं, और हम प्रेरितों के काम 10:46 पढ़ते हैं और 9:06 पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम में हम चार जगह देखते हैं हम किस प्रकार
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों ने पाया, जब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखे तो वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरा अध्याय चौथा पद, 10 अध्याय 46 पद और 9 अध्याय 6 पद। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब, सब कितने लोग भरे? सब। इसका मतलब कमरे में पवित्र आत्मा की भरपूरी वहाँ मौजूद थी, पवित्र आत्मा वहाँ मंडरा रहा था। पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 लोग जो लगभग वहाँ इकट्ठे थे, उनमें से 119 ने अन्य भाषा नहीं बोली, सब ने। लिखा है कि सब ने अन्य भाषा में प्रार्थना की। हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलो, पेंतिकोस के दिन सबने अन्य भाषा बोली। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे? क्योंकि उन्होंने उन्हें भली भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। हाँ, ये जो प्रेरितों के काम 2-4 पढ़ रहे थे और लिखा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। भर गए हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आप सब लोग देखिए ध्यान से, जो बोलते हैं वो भी, जो बोलना चाहते हैं वो भी, क्योंकि जो पहले से बोलते हैं उन्हें और बोलना है। हालेलुया। और नए नए शब्दों को बोलना है और नए नए भाषाओं को बोलना है। मैंने अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में महसूस किया कि जब मैं अधिक से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरी भाषाएं और बढ़ रही है, मेरे शब्द और बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसे महसूस होते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते वक्त कि कोई चीज उमड़ के ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ओवरफ्लो हो रहा है। हालेलुया। कटोरा भरने के बाद क्या होता है? उमड़ता है। ऐसे परमेश्वर जो है वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं अन्य अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली बात जो हमें जाननी है कि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, यानी पवित्र आत्मा के एक विश्वासी के अंदर बहने का एक प्रतीक है। पहली बात हमें यह समझना है, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने का प्रतीक है, पवित्र आत्मा के बहने का प्रतीक है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारे अंदर रहने नहीं आता है बल्कि हमारे अंदर बहने आता है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक नदी के रूप में है। पवित्र आत्मा एक नदी के रूप में है। लिखा है भजन संहिता 46 उसके 4 पद में लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। तो परम प्रधान का पवित्र निवास स्थान कौन है? हम लोग हैं। इसराइल कौन है? परमेश्वर का भवन कौन है? परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर है? सर्व शक्तिमान परमेश्वर का हम मंदिर है। लिखा है परमेश्वर का जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर वास करता है। हम पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। अगर हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, हमने पवित्र आत्मा को पाया है। जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है उन सब को वो आत्मा मिला है कि वो हे पिता और हे अब्बा कह सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ही तो हम कहते हैं पिता। हालेलुया। तो जितनों ने विश्वास किया है और यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दी है, पापों से पश्चाताप किया है, पापों का अंगीकार किया है, प्रभु के क्रूस पर किए कार्य को पहचाना है, प्रभु के प्रेम को पहचाना है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन सब ने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? वो अपना हाथ उठाएं। पूरा करते हैं तो दोनों हाथ उठाएं। हालेलुया। बोले यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा उद्धारकर्ता है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ हृदय से और उसे अंगीकार करता हूँ, प्रभु से अंगीकार करता हूँ, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, लिखा है कि कोई कह नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा के कि यीशु प्रभु है।
इसका मतलब वो विश्वास का आत्मा उसको उसके पापों के प्रति कायल करता है, वो कायल होता है, कन्विक्ट होता है और वो अपने पश्चाताप करता है, अपने अपना मन फिराता है और कहता है प्रभु मुझे आपकी जरूरत है यीशु, मुझे आपके लहू की जरूरत है यीशु, मुझ पापी पर दया कीजिए प्रभु, अपने लहू से मुझे धो दीजिए यीशु राजा और मुझे नया बना दीजिए प्रभु, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता यीशु, आप जीवित हैं प्रभु, मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूं राजा, मेरे हृदय में आइए प्रभु, मेरे अंदर आकर रहिए प्रभु, आपका विश्वास का आत्मा प्रभु मेरी अगुवाई करने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की जब अगुवाई होती है, पवित्र आत्मा वो विश्वास का आत्मा हमें उद्धार पाने तक हमारी अगुवाई करता है और उद्धार पाने के बाद पहले बाहर से अगुवाई करता है, उद्धार पाने के बाद हमारे अंदर से अगुवाई करना शुरू करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर तो हम क्या बन जाते हैं? पवित्र आत्मा का मंदिर। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम में होगा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर बहती है, ये सारी बातें हमको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं इसका मतलब पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर बह रही है। एक नदी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा और जब वो बहती है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मैंने आपको ये बात हमेशा समझाई है कि रुके हुए पानी में कभी भी आवाज नहीं होती, लेकिन बहते हुए पानी में क्या होती है? आवाज होती है। ये जो हम बोलते हैं रीगा रालाबा शंदा रादो खूर रालाबा नदी, ये अन्य भाषा जो हम बोल रहे हैं ये इस बात का प्रतीक है कि वो पवित्र आत्मा की नदी बह रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की नदी जब बहेगी तो गंदगी को निकाल कर बाहर करेगी, बीमारियों को निकाल कर बाहर करेगी। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए मात्र जरूरी या बहुत जरूरी या बहुत बहुत जरूरी ही नहीं है बल्कि अनिवार्य है। आपके साथ वाले को बोलो ये अनिवार्य है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं लेकिन हम बहुत विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो विश्वास का आत्मा कहता है कि मुझे रोको मत, मुझे बहने दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की नदी कहती है कि मुझे रोको मत, मुझे अपने अंदर बहने दो। बोलो यीशु मसीह की जय। दूसरी बात, पहली बात जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, पवित्र आत्मा की नदी के बहने का एक प्रतीक है। और दूसरी बात, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 26 पद, आत्मिक बल। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम कई बार अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमें पता नहीं होता है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चाहे हम जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं या हम नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें उस अन्य भाषा का अर्थ नहीं पता लग रहा है, तब भी हमें अपने आप को रोकना नहीं है, हमें और अधिक से अधिक अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहना है। पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने से कभी भी मना ना करो, इससे हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है। कितने लोग चाहते हैं कि उनको आत्मिक बल प्राप्त हो? हालेलुया। अपने हाथ को उठा के बोलो मैं चाहता हूँ आत्मिक बल मिले, प्रार्थना का बल मिले। हालेलुया। वो आत्मिक बल ना केवल प्रार्थना के लिए बल्कि वचन के नए नए प्रकाशन भी हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होते हैं। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 9 और 10 पद देखेंगे।
परंतु लिखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और दसवां पद, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को, कौन सी बातों को, जो बातें परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। कितने लोग उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, कन्फेस करो, बोलो मैं चाहता हूँ वो बातें जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है, वो आशीषें, वो आशीषें, वो कमाइयां मेरे जीवन में मैं देखने पाऊँ। और लिखा है परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कैसे उन बातों को हम पर प्रकट करता है? अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दर्शन देकर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन का प्रकाशन देकर। लिखा है अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, आत्मा कितनी बातें जानता है? सब बातें। परमेश्वर का आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जान चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर के आत्मा में होकर जब हम प्रार्थना करते ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर भविष्यवाणी के वचन देते हैं। जब हम परमेश्वर के आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, प्रभु में वचन के नए नए प्रकाशन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बल यदि हमें प्राप्त करना है, प्रार्थना का बल यदि हमें प्राप्त करना है, वचन के नए नए प्रकाशन यदि हमें प्राप्त करने हैं और हम देखना चाहते हैं उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, वो गूढ़ और रहस्य की बातें, तो वो केवल तभी हमारे जीवन में हो सकता है जब हम अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी और उसका 14 अध्याय निकालेंगे और उसका 15 पद क्या कहता है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 15 पद लिखा है, अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहता है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो रुका हुआ पानी बहने लगता है, वो पवित्र आत्मा की नदी बहने लगती है, वो सामर्थ की नदी हमारे अंदर बहने लगती है और जहां भी फ्यूज होता है वहां पर करंट आ जाता है। हालेलुया, और दिमाग की बत्ती जल जाती है। अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो दिमाग की बत्ती हमेशा क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे और आत्मा की नदी बहती बहती हमारी सोचों में पहुंचेगी, हमारे विचारों में पहुंचेगी, तो वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हम पहचान पाएंगे हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। और यही पहला कुरिन्थी 14 अध्याय जो हम देख रहे हैं, जब हम इसका 12 पद देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा यत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति कलीसिया की उन्नति हो। और चौथे पद में लिखा है, 14 के चौथे पद में, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। जब मैं सुन रहा था पास्टर अंकुर नरोला को और ये जो उन्होंने बोला वो ही पॉइंट था जो लगभग आज से कई साल पहले मैंने सीखा था और वो दोबारा उनके सर्मन को सुन के वो रिन्यू हुआ। उन्होंने बताया कि जब ग्रीक भाषा से इसको ट्रांसलेट किया गया एडिफाई हिमसेल्फ, जब उसमें लिखा है कि वो अपनी उन्नति करता है, तो उन्नति के लिए जो शब्द यूज हुआ है ग्रीक भाषा में, उस शब्द का मतलब है कि वो उन्नति केवल आत्मिक उन्नति नहीं होती है, वो मानसिक उन्नति भी होती है और शारीरिक उन्नति भी होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो शरीर में भी उन्नति करता है, वो अपने मन में बुद्धि में भी उन्नति करता है और वो अपनी आत्मा में भी नया बल नई शक्ति प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत अच्छा।
बच्चे अनिवार्य है। हालेलुया। जरूरी वाली कलीसिया हमारी नहीं है, अनिवार्य वाली कलीसिया है हमारी, कंपल्सरी चर्च। हालेलुया। लोगों के लिए बहुत सारे सिन कंपल्सरी होते हैं, बाइबल में लिखा है कंपल्सरी सिन होते हैं, उनको करने ही करने हैं, वो कितना मना करो वो करेंगे वो काम, उनके लिए वो सिन क्या है, कंपल्सरी सिन है। लेकिन हमारे लिए सिन कंपल्सरी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे लिए कोई सिन कंपल्सरी नहीं है। मेरे लिए कोई सिन कंपल्सरी नहीं है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना कंपल्सरी है। हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना कंपल्सरी है। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलो आप कंपल्सरी चर्च में बैठो। आप अनिवार्य वाले चर्च में हो। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हम बुराई से बचते हैं। पवित्र आत्मा की नदी हमें पवित्र करने वाली नदी है, हमें आत्मिक उन्नति होती है, हमारी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये भी हमको समझना है। हालेलुया। किसकी इच्छा पूरी होती है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा लिखा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर अन्य भाषा बोलने से आप अपने आप को रोक रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने से आप अपने आप को रोक रहे हैं। आप स्वयं रोक रहे हैं इस बात से कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे अंदर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैंने ऐसी टेस्टिमनी सुनी है, ऐसी गवाहियां सुनी है अपने जीवन में, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमें पता नहीं होता कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि कहां पर किस व्यक्ति को उस प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। और लोग आजाद होते हैं। आपको नहीं पता, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है और पवित्र आत्मा को पता है कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है, और वो पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक तरह से हमें रिफ्रेश करना है, हमें विश्राम देना, हमें तसल्ली देना, हमें आराम देना, हमें ताजा बनाना। हालेलुया। 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 यदि हम ताजा बनना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है, हमें अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, पवित्र आत्मा की नदी के बहने का प्रतीक है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होती है। आमीन। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा हम आत्मिक, शारीरिक और बुद्धि में हर क्षेत्र में हम लोग उन्नति करते हैं। लिखा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। और जब तीसरा यूहन्ना उसका दूसरा पद देखते हैं, वहां लिखा है जो आत्मिक उन्नति करता है वो कितनी बातों में उन्नति करता है? सब बातों में। इसका मतलब हर क्षेत्र में उन्नति करने का जो सीक्रेट है वो है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। फाइनेंशियली भी आपको परमेश्वर मदद करेगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से, हर क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। हालेलुया। 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 पर हम लोग नहीं जानते, पता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जानता है कि इसकी क्या जरूरत है, पवित्र आत्मा जानता है कि इसे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। लिखा है हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा खुद ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे अंदर प्रार्थना करता है। हालेलुया। 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 मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ प्रभु के वचन के द्वारा। अन्य भाषा हमारे लिए एक आत्मिक हथियार के रूप में है। पवित्र आत्मा की नदी एक आग की नदी है। पवित्र आत्मा के जो शब्द हम बोलते हैं अन्य भाषा के शब्द, वो रोह के शोले हैं, वो रोह के शोले हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की आग की नदी में वो ताकत है, उस आग में, पवित्र आत्मा की आग, हम जब गीत गाते हैं प्रभु फिर से वो आग बरसा दे, हम कहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की अग्नि दे, वो अग्नि, वो आग, वो रूह की आग, वो रूह के शोले, वो हमारे अंदर है मेरे प्रियो। वो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर
बहना चाहती है, वो पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर बहना चाहती है, वो पवित्र आत्मा की नदी हमारे हृदय से निकलकर हमारे जिस्म में, हमारे लहू में, हमारी नसों में, हमारी हड्डियों में, हमारे विचारों में, हमारे मनों में, हमारी आत्मा में बहना चाहती है। हम उस पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, हम अपने आप को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम और अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि हम आज से पहले नहीं करते और करना चाहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यदि हम पाना चाहते हैं, हमें अपने मुंह को खोलकर अन्य भाषा के शब्दों को बोलना है। हालेलुया। और मैंने देखा पास्टर अब्राहम जिस प्रकार से सिखा रहे थे, मुझे अच्छा लगा। जैसे हम कोई एक शब्द बोलते हैं, आप उस शब्द को रिपीट करते हैं पीछे, है ना। जैसे कोई भी शब्द बोलते हैं, जब कोई पहली बार किसी भाषा को सुनते हैं, हम सीखते हैं, तो हम बोलते हैं उस चीज को। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे हम तमिल में कहते हैं तन्नी कहते हैं, जैसे पानी को, जब हमने बोला तन्नी, तो आपको नहीं पता तन्नी का क्या मतलब है, तो आपको पता लगा तन्नी का मतलब पानी होता है, तो हमने बोला तन्नी, तो आपने सुनकर बोला तन्नी, तो मैंने बोला तन्नी, तो आपने बोला तन्नी, आपको नहीं आता लेकिन आपने सुनकर बोला, फिर जब मैंने इसका मतलब बताया तो आपको उसका मतलब पता लगा। ऐसे हमको सुनना है दूसरा कैसे अन्य भाषा बोल रहा है, क्या शब्दों को बोल रहा है, और हमें भी अन्य भाषा बोलने के लिए कोशिश करनी है। हमें विश्वास के साथ शुरू करना है, हमें विश्वास के साथ अपना कदम बढ़ाना है। हम लोग जो हैं विश्वास से चलने वाले लोग हैं, तभी तो हम विश्वासी हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें शक का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें डाउट का स्पिरिट नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें अविश्वास का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, इसका मतलब करेंगे। प्रभु कहता है मैं अंतिम दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तो क्या हम सब में नहीं आते? हम क्या एलियन है क्या? हम सब मनुष्य में तो आते हैं। प्रभु ने कहा सब में, इसका मतलब प्रभु मुझ पर भी उंडेलेगा अपना आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें बोलना है, हमें अपनी जबान को चलाना है, हमें सुनना है क्या बोल रहे हैं लोग, हमें भी बोलने की कोशिश करनी है। और जब विश्वास के साथ बोलना शुरू करेंगे, आप एक शब्द बोलना शुरू करो, लिखा है बुद्धि से भी मैं प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और आप देखेंगे पवित्र आत्मा, जैसे जैसे आप एक शब्द बोलना शुरू करेंगे, दूसरा शब्द जुड़ता जाएगा, तीसरा शब्द आता जाएगा, और आपको विश्वास के साथ बोलते जाना है। आपको ये विश्वास करना है कि ये प्रभु की ओर से है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। मैं किसी संदेह की आत्मा को अपने दिमाग में काम करने नहीं दूंगा, मैं किसी अविश्वास की आत्मा को अपने दिमाग में काम करने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने मुझे कोई गूंगी आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने कोई चुप रहने वाली आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने मुझे कोई शर्म की आत्मा नहीं दी है। मैं बोलूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य की नदी है, मेरे अंदर विश्वास की नदी है, मैं विश्वास से बोलूंगा। रीबा बाबा शाका दादा रीबा कोला बाशी की रीबा दा कोला दा बनामा। मैं चिल्लाऊंगा प्रभु के लिए, मैं आराधना करूंगा प्रभु की। हालेलुया। और हमको बोलना है विश्वास के साथ, अपने हाथ को उठाएंगे सब जन, थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। रीता बाबा शाबा रबा रीका रबा 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 नहीं करते हैं।
क्या थोड़ा करते हैं, और करना चाहते हैं? जिनको लगता है कि अभी उनके पास बहुत कम शब्द है या वो नहीं कर पाते, ऐसे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बाकी सब लोग बैठे रहेंगे। जो नहीं करता अन्य भाषा में प्रार्थना और करना चाहता है, आज करना चाहता है, अभी करना चाहता है, प्रभु कहता है यदि तुम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। जिसको लगता है कि वो कम शब्दों को बोलता है उसे और शब्द आने चाहिए। जिसको लगता है कि उसे अन्य भाषा में प्रार्थना करना अनिवार्य है क्योंकि प्रभु के वचन से हमने सीखा है, वो लोग खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, प्रभु अपने वायदे को पूरा करे। मेरे परमेश्वर, आपने कहा अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को दूंगा। तेरे लोग आज पवित्र आत्मा का दान पाने पाए। ऑटो को चलाएंगे, सामान को चलाएंगे, ओपन जीप पर अपने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्पीड में कीजिए, अपने होठों को छोड़ दीजिए, पवित्र आत्मा को सौंपिए, अपनी जीभ को पवित्र आत्मा को सौंपिए और आप केवल अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको आज स्पेशल अनॉइंटिंग दे रहे परमेश्वर। सेवा करने वाले लोगों को स्पेशल अनॉइंटिंग दे रहे परमेश्वर। आज अपने हाथ को उठाए, अन्य भाषा में केवल प्रार्थना करें, केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करें, केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करें। बोले बोले, विश्वास से बोले, विश्वास से बोले, यस, ये प्रभु की ओर से है। सुनिए, बोलिए, प्रभु की ओर से है। Yes,
पास फायर रिटर्न आ रही है और इस तरह की फायर रिटर्न आपकी सुनवाई आ रही है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस Yes. Receive the fire gun. Fire gun is upon your sister. Receive the fire gun. In the name of Jesus. 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 Oh, hallelujah. अपने विश्वास को बड़ा कीजिए प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अपने विश्वास को बड़ा कीजिए प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अपनी सीमाओं को बढ़ाइए प्रभु आपकी सीमाओं को तोड़ते अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस अग्नि की ज्वाला अग्नि की ज्वाला अरे कटोरे दे कटोरे ने पाए अग्नि तू है पाक की अग्नि अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि आग उतरे ये मेरी प्रार्थना है आपकी जीभ पर पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे इस वक्त यीशु मसीह आपके मनों में आपके विचारों में आई रिलीज होली फायर पवित्र आत्मा की आग उतरे आपके बदन पर आपकी आत्मा में अभी यीशु मसीह के नाम से यीशु के नाम में ना जोर से ना ताकत से प्रभु कह रहा है मेरे रूह से हो सकता है यीशु के नाम पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हो सकता है हालेलुया अग्नि की ज्वाला बन के यहोवा निश्चय युद्ध में जय देने वाला परमेश्वर अग्नि की ज्वाला बन के यहोवा निश्चय युद्ध में जय देने वाला परमेश्वर है ओ हालेलुया हालेलुया अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाने वाला हालेलुया जोर से अपने भाषण में प्रार्थना करेंगे ताली बजाकर जोर से